हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं पूर्वोत्तरी के चुपी बर्ड सेंचुरी में, जो कि वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है एंड कोलकाता से 120 किलोमीटर दूर है। ये प्लेस बर्ड फोटोग्राफर एंड बर्ड वॉचर्स के लिए एक हेवन है। अगर आप नेचर लवर या बर्ड एंथुजियास्ट हो तो ये आपके लिए एक मस्ट विजिट प्लेस है। यहाँ आप बर्ड्स के स्टनिंग फोटोज कैप्चर कर सकते हो उसके नेचुरल हैबिटेट में। फ्रेंड्स, आज से कुछ दिन पहले मैं गया था चुपी बर्ड सेंचुरी में बर्ड फोटोग्राफी करने के लिए। तो ये जो मेरा वन नाइट टू डेज का टोटल जर्नी था, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे कौन कौन सा बर्ड्स का इमेजेस मिला, एंड अगर आप प्लान कर रहे हो यहाँ आने का तो आप कैसे प्लान करोगे फॉर बर्ड वॉचिंग एंड बर्ड फोटोग्राफी टूर, तो इस वीडियो में मैं यही सब डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। फ्रेंड्स, मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था कोलकाता से। मैं बाय ट्रेन कोलकाता से पूर्वोत्तरी स्टेशन पहुंचा एंड फिर वहां से बाय ऑटो मैं चुपी बर्ड सेंचुरी पहुंचा था। चुपी बर्ड सेंचुरी लोकेटेड है पूर्व बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में, ऑन द बैंक्स ऑफ ऑक्सबो लेक क्रिएटेड बाय गंगा रिवर, एंड सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है फ्रॉम द होली प्लेस ऑफ नवद्वीप। तो फर्स्ट डे मॉर्निंग अराउंड 6 AM मैं बोट जर्नी स्टार्ट किया था, एंड जैसे ही मैं सेंचुरी के अंदर घुसा, आई सी वाइड वैरायटी ऑफ बर्ड्स क्रीपिंग। एंड द साउंड ऑफ देयर क्रीपिंग फील्स द एयर एंड इट्स ट्रूली अ सिम्फनी टू द सेंसेस। तो अराउंड 2 घंटा बोटिंग करने के बाद मैं एक जगह पे पहुंचा जिसको लोकली गोल बोलते हैं। यहाँ पे पानी क्लीन था कम्पेयर टू अदर प्लेस ऑफ द सेंचुरी। यहाँ मुझे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स मिला। ये सभी बर्ड्स नहा रहा था एंड अपने फेदर को नहाने के बाद सुखा रहा था। ये मेरे लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी था टू कैप्चर पोर्ट्रेट्स ऑफ द बर्ड्स इन देयर नेचुरल सराउंडिंग्स। तो ये सब बर्ड्स का पिक्चर लेने के लिए आपके पास एक अच्छा कैमरा विद फास्ट ऑटो फोकस एंड ए फास्ट लेंस होना बहुत ही जरूरी है, तभी आप इन सारे बर्ड्स का एक्शन फ्रीज कर पाएंगे एंड यू कैन कैप्चर देयर ब्यूटी इन फुल डिटेल्स। फ्रेंड्स, बर्ड्स का पोर्ट्रेट्स लेने के टाइम इट्स इम्पॉर्टेंट टू गेट एज क्लोज एज पॉसिबल विदाउट डिस्टर्बिंग देम। तो इस टाइप ऑफ फोटोग्राफी करने के लिए टेलीफोटो लेंस एसेंशियल है, बिकॉज इट अलाउज यू टू जूम इन एंड कैप्चर द बर्ड्स इन स्टनिंग डिटेल्स फ्रॉम ए सेफ डिस्टेंस। तो फर्स्ट डे को पूरा दिन मैं बोट पे रहा एंड कैप्चर्स वेराइटीज ऑफ बर्ड्स इमेजेस। चुपी बर्ड सेंचुरी में जो वाटर बॉडी है वहाँ पे वैरायटी ऑफ माइग्रेटरी वाटर बर्ड रहता है, तो इसलिए ये एरिया वाटर बर्ड फोटोग्राफी के लिए फेमस है। फ्रेंड्स, बर्ड जनरली मोस्ट एक्टिव रहता है अर्ली मॉर्निंग एंड लेट आफ्टरनून को, सो प्लान योर शूट अकॉर्डिंगली। यहाँ पे फोटोग्राफर का पेशेंस एंड टाइमिंग होना भी बहुत जरूरी है, सो दैट आप बर्ड्स का एक्शन मोमेंट फ्रीज कर पाओ वाइल टेकिंग ऑफ और लैंडिंग और ए यूनिक बिहेवियर और ए यूनिक एक्सप्रेशन। फ्रेंड्स, बर्ड फोटोग्राफी में कंपोजिशन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, सो ट्राई टू गेट लो एंड गेट क्लोज टू द बर्ड, फीलिंग द फ्रेम विद द बर्ड एंड इट्स सराउंडिंग।
यहाँ पे बैकग्राउंड पे अटेंशन रखना भी बहुत ज़रूरी है। मेक श्योर बैकग्राउंड ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग ना हो। हमेशा फोरग्राउंड एलिमेंट ऐड करना चाहिए इमेज में, लाइक ग्रास, रीड्स एक्सेट्रा, जस्ट टू क्रिएट डेप्थ एंड इंटरेस्ट इन योर फोटो। तो सेकेंड डे भी मैं स्टार्ट किया था मॉर्निंग 6 AM को, एंड इस दिन मैं गंगा रिवर में जा रहा था टू फोटोग्राफ ऑस्प्रे। छुपी बर्ड सेंचुरी से गंगा रिवर जाने के लिए ऑलमोस्ट 3 घंटा लगता है बाई बोट। तो मैं अराउंड 9 AM को गंगा रिवर में पहुंचा एंड वेट कर रहा था ऑस्प्रे आने का। अराउंड 2 घंटा वेट करने के बाद अराउंड 11 AM को मुझे ऑस्प्रे का कुछ पिक्चर्स मिला विद फिश कैच। ये मोमेंट बहुत ही अच्छा था मेरे लिए, बिकॉज फर्स्ट टाइम मुझे ऑस्प्रे का फ्लाइंग शॉट मिला विद ए कैच। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। फिर मैं गंगा रिवर से वापस चुपी बर्ड सेंचुरी में आने लगा। आने के टाइम रास्ते में मुझे व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर का कुछ अच्छा इमेजेस एंड वीडियो मिला विद ए कैच। मैं ऑलमोस्ट 2:30 PM तक बोट में था एंड कैप्चरिंग डिफरेंट ऑफ बर्ड्स इमेजेस। इट वाज अ ग्रेट डे फॉर मी। So with breathtaking beauty and abundance of birds, the Chupi Bird Sanctuary is truly paradise for bird photography and bird watching. तो अगर आप seasoned, pro और just starting out हो, तो ये place आपके लिए एक must visit destination है for anyone who loves birds and nature. अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो, तो सियालदह एंड हावड़ा रेलवे स्टेशन से बाय लोकल ट्रेन आपको आना पड़ेगा पूर्वोत्तरी रेलवे स्टेशन। एंड फिर वहां से बाय ऑटो यू कैन रीच चुपी बर्ड सेंचुरी। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो एक बोट में 4 लोग से ज़्यादा मत चढ़ना। यहाँ बोट का फेयर है ₹120 per hour। नहीं तो आप पूरा दिन के लिए भी बोट हायर कर सकते हो, चार्जेस है ₹1200 per whole day। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट पे वो क्वेश्चन कर सकते हो, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।